हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा था, यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, जिसे बोलते हैं कायिक जनन। ये भी ऐसे होता है जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन विच अ पोर्शन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी फंक्शन एज प्रोपगेट एंड डेवलप्स इन टू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल मल्टीप्लाई करते हैं, इसके द्वारा वेजिटेटिव मेथड्स के द्वारा। यानी वेजिटेटिव इस प्रकार समझ सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे कि सपोज करो हम कलम बनाते हैं रोज से एक नया प्लांट तैयार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके स्टेम को कट करते हैं, जिसे हम कलम बोलते हैं, और उसको आप उससे नया प्लांट्स बनाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी आप कलम बना के न्यू प्लांट्स बनाते हैं, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी क्या है ये, मल्टीप्लाई बाय वेजिटेटिव मेथड्स के द्वारा। तो विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल यूनियन। तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स इज दैट फॉर्म ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन इन विच द न्यू इंडिविजुअल एराइजेस फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट्स, आपके रूट से, स्टेम से, लीफ से। अब रूट का एग्जाम्पल, जैसे आपका जिंजर है, टर्मरिक है, इससे इसी रूट से दोबारा कर लेते हैं, नया इंडिविजुअल प्राप्त हो जाता है, हमें नया ओवरस्पिर प्राप्त हो जाते हैं इन्हीं पेरिटल सेल से। ये राइजोम टाइप्स की रूट्स होती हैं, जिंजर, टर्मरिक। इस टाइम की बात करें तो आपका शुगर कैन, उसको कट कर लेते हैं, आपने देखा मैनी प्लांट्स तैयार हो जाते हैं एक शुगर कैन से, वन प्लांट शुगर कैन से। लीफ, ब्रायोफिलम, जिसे आप पत्रट्टा बोलते हो सिंपल भाषा में, तो ये लीफ से तैयार होता है न्यू प्लांट्स। तो ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स में भी प्रोपेगेटेड आर्टिफिशियली बाय वेजिटेटिव मीन्स बाय वर्किंग अलोंग नेचुरल प्रिंसिपल्स। यानी कि आप अपने होम में आसपास आप न्यू प्लांट्स बना सकते हैं, जैसे कि आप लेमन का बना सकते हैं, उसकी कलम बन जाती है, उसको क्या करते हैं, दाब देते हैं छीलने के बाद हल्के से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड अपनाए जाते हैं, कलम काटने के बाद, उसको दबाने के बाद, ठीक है। तो ये क्या है आपका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसमें आप देखेंगे, एक तो नेचुरल मेथड होता है अपने आप बनते, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड जिनमें हम बनाते हैं, जैसे कटिंग करने के बाद बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होते हैं नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, नेचुरल मेथड में अमंग सीड प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय नेचुरल मेथड इज वेरी कॉमन। अब वेजिटेटिव ऑर्गन्स सच एज रूट है, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, बियर, इनमें से बनते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोडक्शन बाय रूट्स, जैसे आपका स्वीट पोटैटो में, ऐसी डहेलिया में, ये रूट्स कहते हैं, रूट्स से न्यू प्लांट्स बनते हैं। ऐसी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स के द्वारा। अब स्टेम्स जैसे कि आपने देखा बनाना में, जिंजर में, टर्मरिक में, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम के द्वारा है। क्योंकि जो आपका जिंजर टर्मरिक होता है ये क्या है, स्टेम होता है। पोटैटो आपका क्या है, स्टेम है, लेकिन राइजोम और देखने में कैसा लगता है, रूट।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन पुट अप होगा, यानी कि आप सपोज करो पोटैटो की बात कर रहे हैं, पोटैटो क्या है, स्टेम है, जिंजर क्या है, स्टेम है, टर्मरिक क्या है, स्टेम है, ठीक है, तो स्टेम के द्वारा न्यू प्लांट्स बनते हैं, ऐसी बनाना क्या स्टेम है, पर किस टाइप के होते हैं, राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे कुछ स्टेम ट्यूबर होते हैं, स्टेम ट्यूबर, ऐसी रनर, स्टेम रनर, जैसे लॉन ग्रास स्टेम रनर है, दूब घास जिसे बोलते हैं, साइनोडोन जिसे बोलते हैं, स्टेम ट्यूबर आर फाउंड इन किसमें, पोटैटो में ट्यूबर होता है, गाल ऐसी आपका बल रूप में, जैसे अगेन, ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ की, तो किसमें देखने को मिलेगा आपको, ब्रायोफिला में, विगोनिया में, स्ट्रेप्टोकार्पस में, कलनकोई में, सैंड पोलिया में, तो इन ब्रायोफिलम में दिखा रखा है, इससे न्यू बर्ड्स, न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू प्लांट्स बनते हैं, तो क्या नेचुरल है, हम में हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैन इसमें ह्यूमैन कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता, अपने आप नेचुरल निकलते हैं ये न्यू प्लांट्स। जबकि बात करें जब हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, आर्टिफिशियल मेथड, कौन सा मेथड होता है, आर्टिफिशियल मेथड स्टूडेंट्स। अब क्या होता है आर्टिफिशियल मेथड, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू।